हेलो स्टूडेंट्स, आपका एजुकेशन लाइफ जीके इशुगंज चैनल में स्वागत है। हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी है। चलिए शुरू करते हैं। जो प्रमुख देश हैं जो ज़्यादा अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं वो वही आपको बताने चल रहे हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। चलिए शुरू करते हैं। देश है हमारा भारत देश। भारत का जो राष्ट्रीय स्मारक है वो क्या है? ताजमहल। ताजमहल। इसके बाद है फ्रांस। फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक है एफिल टावर। एफिल टावर। ताजमहल कहाँ है? आगरा। भारत का जो राष्ट्रीय स्मारक है वो क्या है? ताजमहल है। और ताजमहल है कहाँ? आगरा में है। और फ्रांस का जो है, फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक है एफिल टावर। एफिल टावर कहाँ पर है? फ्रांस का जो एफिल टावर है ये है पेरिस में। पेरिस में। इटली। इटली का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? इटली का है पीसा की झुकी हुई मीनार। पीसा की झुकी हुई मीनार। पीसा की झुकी हुई मीनार। जो पीसा की झुकी हुई मीनार है ये इटली की राष्ट्रीय स्मारक है। और आगे है जापान का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? जापान का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? इम्पीरियल पैलेस। क्या है? इम्पीरियल पैलेस। इम्पीरियल पैलेस। इम्पीरियल पैलेस है कहाँ? ये है टोक्यो में। टोक्यो में। और टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है। पांचवें नंबर पर है रूस। इसका कोई वैसे सीरियल नहीं है, चाहे जो आगे पीछे करिए, लेकिन भारत का जो है ताजमहल है आपको बताएं। आगे है रूस। रूस का जो राष्ट्रीय स्मारक है ये है मास्को क्रेमलिन। मास्को क्रेमलिन। क्रेमलिन। मास्को क्रेमलिन। आगे है यूनान। यूनान। यूनान का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? यूनान का है पार्थेनन। पार्थेनन। यूनान का क्या है? पार्थेनन। ये है एथेंस में। कहाँ पे है? एथेंस में। आगे है चीन। चीन। चीन का जो राष्ट्रीय स्मारक है वो है द ग्रेट वॉल। द ग्रेट वॉल। चीन का राष्ट्रीय स्मारक, सॉरी, चीन का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? द ग्रेट वॉल।
आगे है मिस्र, मिस्र का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? पिरामिड। मिस्र का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? पिरामिड। पिरामिड जानते ही हैं, गीजा, क्या बोलते, गीजा का पिरामिड। आगे है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? ये है ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है ओपेरा हाउस, और ये जो है ओपेरा हाउस है कहाँ? सिडनी, सिडनी। आगे है यूएसए, यूएसए, यूएसए का जो राष्ट्रीय स्मारक क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आगे है डेनमार्क, डेनमार्क, डेनमार्क का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? पवन चक्की, पवन चक्की। ये कुछ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए फिर इसको पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? ताजमहल, तो आपको पता ही होगा, सब लोग को पता होगा भारत का राष्ट्रीय स्मारक क्या है, ताजमहल, जो कहाँ पर है? आगरा में है। फ्रांस का राष्ट्रीय स्मारक है एफिल टावर, ये कहाँ पर है? पेरिस में है। इटली का राष्ट्रीय स्मारक है पीसा की झुकी हुई मीनार, और जापान का राष्ट्रीय स्मारक है इम्पीरियल पैलेस, ये जापान की राजधानी टोक्यो में है। और रूस का राष्ट्रीय स्मारक है मास्को क्रेमलिन, मास्को क्रेमलिन कहाँ है? मास्को में होगा, सॉरी, मास्को में है। मास्को जो है ये रूस की राजधानी है। यूनान, यूनान का राष्ट्रीय स्मारक है पार्थेनन, ये एथेंस में है। और चीन का राष्ट्रीय स्मारक है द ग्रेट वॉल। आगे है मिस्र का राष्ट्रीय स्मारक है पिरामिड, जिसे कहते नहीं है गीजा का पिरामिड, जिसे बोलते हैं गीजा। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है ओपेरा हाउस, ये सिडनी में है। और यूएसए का इस जो राष्ट्रीय स्मारक है वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और डेनमार्क का जो राष्ट्रीय स्मारक है वो है पवन चक्की। हम लोग राष्ट्रीय स्मारक पढ़ लिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है जुड़िए हमारे लाइव क्लास में। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और हम पढ़ाते हैं साइकोलॉजी, जो टेट, सुपर टेट और सीटेट तीनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जितनी भी सभी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएँ, सब में हम इंग्लिश, हिंदी और जीके ये सब पढ़ाते हैं, पर्यावरण, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है वही हम बताते हैं, ज़्यादा नहीं इधर उधर का। चलिए हम अपने क्लास को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियोस लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि थोड़ा सा देखने में समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़ा रहे हैं, किस स्टाइल से, जब तक पूरा वीडियो ना देखें तब तक समझ में नहीं आता। ठीक है, अपनी क्लास को विराम देते हैं।